मुंह बंद कर, तेरी बच्ची की तबीयत खराब हुई है, वो मरी नहीं है। यहां ऊंची आवाज में नेतागिरी नहीं करना है, टीसी ले और बढ़ यहां से। नमस्कार, आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। शायद पहली बार इस तरह के शब्द सुनकर आपको कुछ अजीब लग रहा होगा टीवी स्क्रीन पर, लेकिन आपको बता दूं कि ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द किसी गली के गुंडे के भी नहीं है, बल्कि ये शब्द एक स्कूल के प्रिंसिपल के है। जी हां, ये बोल है ढांचा भवन स्थित अन्नपूर्णा स्कूल की प्रधान अध्यापिका अनीता बागरवाल की। यह आरोप लगाया है बच्ची भावना की मां ने। क्या है पूरा वाक्य, आइए जानते हैं इस खबर में। ढांचा भवन स्थित है अन्नपूर्णा स्कूल। यहां के प्रधान अध्यापिका अनीता बागरवाल और शिक्षक के कारनामों से पूरा ढांचा भवन क्षेत्र अच्छी तरह से वाकिफ है। ये अब शब्दों का उपयोग इस तरह से करते हैं कि ये शिक्षक है, इस बात की शंका भी आपको शायद होने लगे, क्योंकि एक शिक्षक या गुरु कभी असभ्य नहीं हो सकता। दरअसल इस स्कूल में पढ़ने वाली सातवीं क्लास की छात्रा भावना पिताजी राठौर के स्कूल में शिक्षिका द्वारा मारपीट करने के मामले में ये बात सामने आई। छात्रा भावना की माता दोना पत्तल बनाने का काम करती है, जिनका आरोप है कि इसी स्कूल की शिक्षिका हिमांशी ने कॉपी चेक करने की बात पर छात्रा भावना को मारा। मार की वजह से छात्रा की वहीं पर तबीयत बिगड़ गई और स्कूल की छुट्टी होने तक बेसुध वो क्लास में बैठी रही। फिर घर जाकर छात्रा भावना ने ये पूरी बात अपने माता पिता को बताई। तबीयत खराब की हालत में परिजन बच्ची को लेकर स्कूल पहुंचे और प्रधान अध्यापिका अनीता बागरवाल से शिकायत की, पर परिजनों की कोई बात नहीं सुनी गई और अनीता बागरवाल ने सीधे सीधे ऊंचे तेवर में भावना की मां को मुंह बंद करने की बात कह दी और ये तक कह दिया कि तेरी बच्ची की तबीयत खराब हुई है, वो अभी मरी नहीं है। यहां ऊंची आवाज में नेतागिरी नहीं चलेगी। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल अनीता बागरवाल ने टीसी थमाते हुए ये कहा कि ये बच्ची की टीसी ले और बढ़ यहां से। इतना सुनने के बाद बेबस परिजन थाने पहुंचे और शिकायत की, पर वहां भी खानापूर्ति हो गई, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस दौरान बच्ची की तबीयत और बिगड़ गई, परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्ची की हालत देख डॉक्टर ने बच्ची को आईसीयू में भर्ती किया। 2-3 दिन इलाज होने के बाद शनिवार को बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया और अब बच्ची घर पर है, लेकिन अभी तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। बच्ची के परिजन गरीबी की हालत से गुजर बसर करते हैं, हो सकता है इसलिए न्याय इनसे काफी दूर है। और ये गुड़िया मेरी बहुत रो रही थी, मैंने इससे पूछा, मैंने बेटा क्या हो गया, तो बोला मैडम मम्मी बहुत जोर से सिर में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्या हो गया बेटा, तो बोले मैडम ने आज मुझे बहुत जोर जोर से मारा है सिर में, और उस वजह से मैं ऊपर गई, ऊपर बड़ी मैडम नहीं थी। और फिर मैंने पूछा मैंने मैडम क्यों मारा, तो मैडम ने मेरे को धक्का दे के बाहर करा, फिर गुड़िया को अंदर करा और मेरे को बाहर भगा दिया उन्होंने। उसके बाद 12 बजे का समथिंग मैं कंपनी से आई और देखा मैंने तो ये बेहोशी की हालत में पड़ी थी घर में, और फिर मैं मैडम के पास उठा के ले गई तो बोले नाटक कर रही है ये। और बोले मैंने बोला चलो मैडम मेडिकल करवा दो, तो वो बोलती है कि नहीं आपकी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। मैडम का कहना है कि बच्चा नाटक कर रहा है या तो फिर बच्चों को कोई बीमारी होगी पहले से। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई में ऐसा स्कूल या स्कूल प्रबंधन हमारे नगर में भी है। हमने जब पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाले मामले सामने आए, जिसमें प्रधान अध्यापिका अनीता बागरवाल ने किसी छात्र का हाथ तोड़ दिया, तो किसी छात्र का सर फोड़ दिया, तो किसी छात्र को गंभीर चोट पहुंचा दी। हमने इन्हें भी कैमरे के सामने लाने का प्रयास किया, पर ये सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अब इसी वजह से सीधे कैमरे में आने से डरते हैं, और डरे भी क्यों ना, बच्चों की जिंदगी का जो सवाल है। हमारा प्रयास ये है कि छात्रा भावना को न्याय जरूर मिले, क्योंकि भावना जैसे कई छात्रों छात्राएं हैं जो इस तरह की बर्बरता के शिकार हुए हैं। अतः हमारा चैनल एसपी साहब और तमाम जिम्मेदारों से ये विनम्र अपील करता है कि शिक्षा जगत को कलंकित करने वाले इस अन्नपूर्णा स्कूल के प्रधान अध्यापिका अनीता बागरवाल और अन्य शिक्षिकाओं पर सख्त कार्रवाई करके मासूम छात्रा भावना और इसके जैसी और अन्य छात्र छात्राओं को न्याय जरूर दिलाए।